भाजपा जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद की माता स्वर्गीय श्रीमती जनक रानी की रस्म क्रिया पर श्रद्धांजलि सभा का स्थानीय अनमोल गार्डन में आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त कर दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर माधव नेत्रालय में स्वर्गीय माता जी के नेत्रदान स्वरूप आनंद परिवार को स्मृति चिन्ह भेंट किया। श्रद्धांजलि सभा में SGPC के सदस्य भूपेंद्र सिंह व असंध के विधायक बख्शीश सिंह विर्क द्वारा जगमोहन आनंद व राजेश आनंद को सिरोपा भेंट किया गया। श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, करनाल सांसद संजय भाटिया, पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा की धर्मपत्नी एवं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण शर्मा चोपड़ा, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र, टास्क फोर्स के चेयरमैन महिपाल ढांडा, घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण, नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास, कबीरपंथी असंध विधायक बख्शीश सिंह, मेयर रेणुवाला गुप्ता, पूर्व विधायक बंता राम वाल्मीकि, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला बैरागी, जिला महामंत्री योगिंदर राणा व राजवीर शर्मा, नीफा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतीश राणा आदि लोग मौजूद रहे। गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय माता जी के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में करनाल में एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसके तहत भाजपा जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद व आनंद परिवार ने नीफा द्वारा नगर निगम करनाल व जिला वन विभाग के सहयोग से करनाल में चलाए जा रहे ग्रो ग्रीन करनाल प्रोजेक्ट को समर्थन के स्वरूप 74 वर्ष की आयु में दिवंगत आत्मा माता जनक रानी की याद में 74 पौधे लगाने तथा उनका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी ली।